हेलो स्वागत है आपका इस वीडियो में आज क्या है आज है ट्वेंटी सेकेंथ ऑफ ऑगस्ट सो प्राइमरली मंडे है सो वीकेंड शुरू मतलब वीक शुरू है आई थिंक इट इज़ द देंकेंड लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ एंड उसके बाद जो है सितंबर में मूव करेंगे एंड दिस ईयर विल एंड सो प्राइमरली बहुत सारे न्यूज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड यू कैन ऑल्सो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं हमारे हमारे वीडियो सीरीज को फॉलो करें तो आपको भी पता चलेगा कि हाउ द न्यूज मूव एंड वट आर द इम्पॉटेंट थिंग्स नीड टू कीप इन माइंड एंड हाउ यू कैन एंटिसिपेट द मतलब कैसे मार्केट इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ कैसे मार्केट मूव करता है और उसके बाद उस बेसिस पे जो है आप जो है ट्रेड ले सकते हैं स्विंग ट्रेड ले सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग जा सकते हैं या अगर आपको कोई लिक्विडेट करना है मतलब रिस्क आप सिंपल बात है कि मेरा टारगेट वही है कि मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट से या मा, मतलब मार्केट से मैं पैसा बनाना चाहता हूँ और आ, मैं वो नॉलेज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सो यू कैन मेक मनी ठीक है और एक चीज़ है बहुत लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि ये स्टॉक मुझे खरीदना है बेचना है मैं प्लीज आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि, कि किसी यूट्यूबर के बात सुन के जो है कभी भी कोई भी स्टॉक कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लीज मत कीजिए इंक्लूडिंग मी मैं भी अगर आपको बोलता हूँ कि खरीदो कभी मत खरीदिए सबसे पहले इसलिए मैं इस आ, हमारे इस चैनल पे जो है वीडियो जितना भी मैं डालता हूँ वहाँ पे मैं एक बार भी नहीं बोलता हूँ कि आपका टारगेट ये होना चाहिए आपको इस पॉइंट में मतलब आई एल गिव यू एन आइडिया बट मैं कभी आपको बोलूंगा नहीं कि ये आपका सी एम पी है मतलब करंट मार्केट प्राइस प्राइस है इस पर आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे आपको बेचना चाहिए आई एल जस्ट गिव यू माई एनालिसिस और मेरा जो स्ट्रेटेजी uh, होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्लीज डू नॉट फॉलो एनी यूट्यूबर मतलब जो सजेशन देता है कि आप बेच दो आप ले लो ये ले लो कभी भी उसमें मत जाइए क्योंकि डूबने से आपका पैसा डूबेगा उसका पैसा नहीं डूबेगा वो तो आपका यूट्यूब ऐड से पैसा कमाई लेता है सो so, प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए आप मुझे पूछ सकते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं कि इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आई कैन गिव यू माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं किस तरीके किस तरीके से उसको स्टडी uh, करता हूँ क्या मेरा साइकोलॉजी होता है वो अगर आपको सही लगता है फिर आप जाके उसको अपना स्टडी अपना स्ट्रेटेजी आप डेवलप करो क्योंकि स्टॉक मार्केट में मेरे को अभी तक जो भी समझ में आया वही है कि बेसिक साथ सेम सप्लाई एंड डिमांड और कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में या किसी भी बिजनेस में सप्लाई डिमांड होता है उस जगह पे आपको क्या करना पड़ता है यू योर टारगेट आपका टारगेट ये होगा कि मैं कम दाम में बेच के ज्यादा दाम में बेच दो कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेच दो बस यही है टारगेट और कुछ नहीं है जस्ट अभी इसमें आपको अपना स्ट्रेटेजी डेवलप करना है कि कैसे मैं इसको कर सकता हूँ कोई आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलेगा हेड एंड शोल्डर बोलेगा वो बोलेगा ये बोलेगा मैंने देखा कि ये सब करके कोई फायदा नहीं होता मतलब मतलब इफ इट वर्क्स फॉर यू देन ग्रेट आपको अपना स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना है एंड अगर आप देखते हैं कि उस स्ट्रैटेजी में आपको ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट लॉस होता है सेवेंटी परसेंट टाइम जो है आपको प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली उसको फॉलो कीजिए फिर उसी से पैसा कमाई है यही होता है मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं या मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यही करते हैं अगर आप किसी के ऊपर से मतलब अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता हैं देन आई थिंक इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड नहीं तो क्या होगा कि फिर आपका फिर लॉस हो जाएगा लॉस मत करो यार किसी यूट्यूबर का बात सुन के इन्वेस्ट मत करो प्लीज ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अभी जो है इंपॉर्टेंट uh, न्यूज को लेकर शुरू करते हैं तो रशियन बैंक्स लाइन अप फॉर अकाउंट्स विद इंडियन लेंडर्स प्राइमरी रीजन ये है कि uh, जो मेन इंटरनेशनल वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग इज बिकॉज यूएस डॉलर को लेकर यूएस डॉलर बिकम्स द मीडियम ऑफ क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन तो अगर मुझे किसी रशिया में किसी को पे करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुवैत में किसी को पे करना पड़ेगा तो मैं अगर इंटरनेशनल ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे डॉलर में पे करना पड़ेगा वो डॉलर में रिसीव करेगा यानी से डॉलर में कन्वर्ट होगा फिर डॉलर से वहां पे जो दिनार या जो भी उसका लोकल करेंसी उसमें कन्वर्ट होके वहाँ वहां पे पेमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड में हैजी डोमिनेंस है मोनापली है डॉलर का दैट्स वो डॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट यहाँ पे क्योंकि रशिया uh, जो है एंड डेफिनेटली इंडिया को अगर सर्वाइव करना है इंडिया को, को अगर ग्रो करना है इंडिया को अगर इंडिपेंडेंट रहना है इंडिया को अगर इन्फ्लुएंस फ्री रहना है तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली जो है करेंसी टू करेंसी ट्रांजेक्शन होना पड़ेगा यानी इंडिया का लोकल करेंसी और उस कंट्री का लोकल करेंसी उसमें जो है ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा रशिया का जो आपका जो करेंसी है वो रूबल है इंडिया का रुपी है तो यहाँ पे रशिया रुप रूबल का जो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोनों पार्टी को रेडी रहना पड़ेगा दोनों पार्टी मतलब जो इंडिया और रशिया दोनों पार्टी को, को रेडी होना पड़ेगा वहां पर जो सेंट्रल बैंक है से उसको रेडी होना पड़ेगा वहां परलीग्री टू अ अग्री टू अ पॉइंट वेयर द ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस एक रूबल कितना रुपए होता है एक रुपए कितना रूबल होता है उसके बाद जो है वहाँ पे बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो स्विफ्ट के माध्यम से होता है पर यहाँ पे क्योंकि स्विफ्ट के बाहर आप बना रहे हो तो यहाँ पे इस जगह पर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम अगर जब ट्रांजेक्शन करेंगे वो पेमेंट गेट में क्या होगा किस तरीके से वो सेटलमेंट होगा स्टेट हमारा जो सेंट्रल बैंक इंडिया का सेंट्रल बैंक है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है हाउ देआर गु डिट टू इट सो ये सारी चीजें जो है इट टेक्स अटॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट बट वॉन्स इट सेटअप देन

Uh, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्फोर्समेंट जो होता है आप किस मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको गाइडलाइन बनाना पड़ेगा व्हाट इज मनोपली मोनोपली आपको जब करोगे ठीक है फिर उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन आप यहां पे प्रॉब्लम uh, ये हो जाता है कि जब भी ऑडिट करते हैं ऑडिटिंग में भी बायस होता है तो इसलिए क्रॉस मतलब यू कैन डेफिनेटली गो फॉर यू नो क्रॉस ऑडिशन और क्या ऑडिशन का ऑडिटिंग सो दिस इज समथिंग विच इज यू नो इंटरेस्टिंग एंड आप uh, उसमें मॉनिटरिंग के नाम पे बहुत लोग जो है टिपिकली आ, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि नहीं आपको मर्जर एक्विजेशन नहीं करने देंगे देन बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टाफ सो दैट्स वाई पीपल जो फ्लिपकार्ट है फ्लिपकार्ट इज़ नॉट एन इंडिया कंपनी इट्स अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी सो इसलिए आप देखोगे मैक्सिमम जो कंपनीज होते हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होते इंडिया में वो सब्सिडी खोलते हैं बट वो जो है आपका सिंगापुर में आइर खोलते हैं या दुबई ये सब साइड में खोलते हैं मर्जर एक्विजिशन बाहर की जो एंटिटी है वहाँ से वो होता है जैसे गूगल जो है दैट इज़ एन आयरिश कंपनी आपको सुनकर हंसी हाँ आ रहा होगा बट हाँ गूगल इज एन आयरिश कंपनी जो भी मैक्सिमम uh, जो पेमेंट जाता है गूगल का दैट गोज थ्रू आयरलैंड बिकॉज आयरलैंड में जो है उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है सिंगापुर में फ्लिपकार्ट इज अ सिंगापोरियन कंपनी बिकॉज वहाँ पे उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है ठीक है अगर आपको पता नहीं था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अच्छा आपको वो वर्ड देना था मुझे ना आज के लिए तो आज का जो वर्ड है वो है सक्सेस

फेस्टिव से फेस्टिव डि टैलेंट डिमांड बोनस इज डिलीवर्ड सो डेफिनेटली ये तो एक महीने से आपका चल रहा है कि भाई हायरिंग जो है वो बढ़ने वाला है प्राइमरी टेम्पोरी हायरिंग वहाँ पे आपका जो है ज्यादा बोनस दिया जाएगा मतलब बोनस इन पर डिलीवरी का बोनस पर ड्राइव का बोनस ये छोटा छोटा जो बेनिफिट्स है वो इंसेंटिव है उसके माध्यम से जो है लोगों को रिटर्न करने की कोशिश की जाएगी या दूसरे कंपनी से जो है टैलेंट को लाने का कोशिश किया जाएगा सो so डेफिनेटली आप इस पर जो है थोड़ा तो सा देख सकते हैं एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग इंडिया एंड यू ए ज्वाइन हैंड्स टू लॉन्च प्रोडक्ट्स इन अफ्रीका प्राइमरली यहाँ पे आपको ये समझ समझना पड़ेगा दिस इज हाउ इट वर्क जियो पॉलिटिक्स सो चाइना एक तरफ है रशिया एक तरफ है मिडल ईस्ट एक तरफ है अमेरिका एक तरफ है यूरोप एक तरफ है इंडिया एक तरफ है सो यू ए जो मिडिल ईस्ट है उनके पास बहुत पैसा एंड देव लॉट ऑफ मनी चाइना के पास जो है लॉट ऑफ रिसो अफ्रीका में जो है छोटा मोटा जो है जैसे कुछ दिन पहले मुगल में सम्मिलिया में आ, जो मुंबई अटैक टाइप का हुआ थाटल को जो है मतलब हॉस्टेज रख के लोगों को बेसिकली कतलेआम किया गया था सो so, ये उर्दू वर्ड मैंने यूज़ किया था मतलब मतलब वहाँ पे जो है बेसिकली मर्डर किया गया था एंड uh, हमेशा आप याद रखिएगा अफ्रीका uh, को हमेशा डिस्टर्ब करके रखा जाता है बिकॉज अफ्रीका हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फैमैली डायमंड गोल्ड रेयर मिनरल्स टिम्बर ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से निकालने के लिए uh, मतलब एकदम नॉर्दर्न uh, टिप में लिबिया है सदर्न टिप में साउथ अफ्रीका है बोत्सवाना है नाइजीरिया है कैनिया है बहुत सारे एनर्जी रिच कंट्रीज बहुत सारे हैं एंड बहुत बड़े जो ऑयल डिपॉजिट्स नाइजीरिया में पाए गए हैं इक्वेटोरियल गिनी में पाए गए हैं सो लॉट ऑफ स्टफ गोज ऑन एंड उसको अगर पॉलिटिकल इंस्टेबल करके रखते हो तो इट इज़ मच मोर इजी फॉर यू टू टेक आउट दोज रिसोर्सेज फ्राम दोस कंट्रीज बट इंडिया बींग अ पॉजिटिव कंट्री हम कभी किसी को इन्वेट नहीं करते तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है दैट हमारे पास रिसोर्सेज है पर कैपिटल हमारे पास उतना नहीं है यूएई के पास कैपिटल है उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है सो व्हाट इज गोइंग ऑन इज कैपिटल एंड रिसोर्स कमिंग टूगेदर एंड दे आर इन्वेस्टिंग इनिया और इन अफ्रीका सो वी कैन हैव बिकॉज वी हैव मोर क्रेडिबिलिटी वी हैव मोर ट्रस्ट वी हैव यू नो आप अगर uh, वी ऑन डब्ल्यू आई ओ इनका जो न्यूज चैनल वहाँ पे अगर जाके आप देखोगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखना देट अ लॉट ऑफ एक वीडियो है इंडिया एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस uh, डे वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली देखिएगा बहुत सारे अफ्रिकन ने वहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ इंडियन टीचर्स वी गॉट टू लर्न दिस बिकॉज़ ऑफ़ इंडियन डॉक्टर्स वी वी वे यू नो वी आर फाइन बिकॉज ऑफ इंडियन बिजनेस ओनर्स वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ तो इंडियन जो डायसपोरा है बहुत 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 कुछ जो है वहाँ पे उन्होंने एफर्ट डाला हुआ है वो गांडा कैनिया वहाँ पे देखोगे मैक्सम जो गुजराती आपको मिलेंगे uh, जो है मराठी लोग मराठी नहीं बल्कि कुछ भी बहुत सारे आपको मिलेंगे वहाँ पर बिकॉज दे माइग्रेटेड फ्राम इंडिया देर एंड देर यू नो बिल्डिंग ऑल दिस रिसोर्सेज

सो द प्रॉब हेयर यहाँ पे आपनेटली देखा होगा that there is when, uh, जब एक रेडिकलाइजेशन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी रेडिकलाइज होता है तो फिर वो जो है रेडिकलाइज जब होता है तो उससे क्या होता है कि वेन अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज बिंग रेडिकलाइज और वो वायलेंस कोई यूज करता है या कोई एक, एक, किसी तरीके का वेपन यूज करता है टू डोमिनेट दार्ट ऑफ द सोसाइटी तो वहां पे क्या होता है देर इज काउंटर रेडिकलाइजेशन मतलब इसको देख के वो म, uh, मतलब uh, 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 क्या बोलते हैं अटैक कर रहा है अटैक कर रहा है अटैक कर रहा है तो दूसरा जो सेगमेंट है दूसरा पार्ट ऑफ द सोसाइटी है वो तो थोड़ा फर्स्ट हिट सेकेंड हिट जो है वो टॉलरेट करता है फर्स्ट हिट में उसको शॉक लगता है सेकेंड हिट में लाइक हाँ ये तो हुआ था तो हो रहा है तीसरा बार जो है दे आर लाइक प्रिपेयर लाइक ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ नहीं होना चाहिए था देन दी काउंटर रेडिकलाइजेशन टेक प्लेस टेक्स प्लेस एंड वेयर दे आर मोर वेहमेंटली मोर मोर अटैकिंग और मोर ऑफेंसिव कम्पेयर टू दिस द फर्स्ट पार्ट इज रेडिकलाइज तो यहाँ पे यह कुछ भी हो सकता है इट कैन बी बेस्ड ऑन एनीथिंग वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिला कि Uh, ये आप आर्टिकल पढ़ो आई एम नॉट गोइंग टू यू नो एक्सप्लेन एवरी बिकॉज मैं यहाँ पे रिलीजन पॉलिटिक्स को लेकर बात नहीं करता बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ हाउ दिस वर्कस एंड इससे प्रॉब्लम ही होता है इकनॉमिकली अगेन कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक्स बिकॉज आई डिस्कस अबाउट मनी हेयर आई डोंट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स एंड फिलोसॉफी बट आई गिव यू पॉइंटर्स कि हाउ डज यू नो इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जोमेटो uh, का जो है बैकलैश हो रहा है एंड अगेन स्टॉक जो है वो गिरेगा जोमैटो का ऑलरेडी गिरा हुआ स्टॉक फिर भी और गिरेगा चलिए देख लेते हैं जोमेटो है कि नहीं आ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप डाउन होकर ओपन अप हुआ है बहुत ही अच्छा गिरा था फिफ्टी नाइन तक गिरा था तो अभी ये सिक्सटी वन में ट्रेड कर रहा है विच इज ओकेश सो जैसे गैप डाउन होकर गिरा था अभी थोड़ा तो सा सस्टेन कर रहा है बट वही होता है की आपका जो है स्टॉक गिरा देंगे लोग तो मार्केट में ऑलरेडी नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत सारा है ब्लिंकट की वजह से देखिए यहाँ पे गैप डाउन कितना भया न गैपडाउन हुआ है ये गैपअप होकर फिर इन्होंने बहुत हेवी सेलिंग हुआ है ठीक है तो ये सब चलता रहेगा तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा वेन आर डूइंग ट्रेडिंग बिकॉज ये सब न्यूज जो है वो आ, इंट्रा डे में बहुत इफेक्ट करता है तो सबको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं है निफ्टी कुड भी सेलिंग चॉपी चौपी जो जैसे मैंने बताया था कि आपका नियर अबाउट सेवेंटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड उसके बाद जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ब्रेकआउट ऑफ दिन हंड्रेड मार्क उसको ब्रेकआउट कर जाएगा मे बी एल्स ब्रेकआउट हो सकता है अगेन इट गो बैक सो वही हो रहा है दैट इज अ वेरी यू नो वेरी अप एंड डाउन अप एंड डाउन वेरी वोटाइल मूवमेंट हो रहा है सो so, इस टाइम में आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं बट अगर आप लॉन्ग खेलना चाहते हैं आई वुड नॉट इन्वेस्ट राइट नाउ बिकॉज आई विल बी वेटिंग टू सी द मार्केट हाउ इट मूव वंस इट ब्रेक्स आउट देन आई विल गो एंड इन्वेस्ट तो ये एक चीज़ है मार्केट कैप ऑफ फाइव टॉप फर्म्स टॉप टेन फर्म्स डिक्लाइंस बाय थर्टी थाउजेंड करोड़ सो डेफिनेटली जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनका जो थर्टी थाउजेंड करोड़ जो है मार्केट कैप इडोड हुआ यानी लोगों ने पैसा निकाल निकाले इन्वेस्टर्स हैट गोल टू पोर्टफोलियो डिस्पाइट नियर टर्म वीकनेस सेट टू स्प्लिट स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स सो यहाँ पे ये यह होता है कि जब भी आपका मार्केट जो है गिरता है मार्केट डाउन में जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए वहाँ पे एक तो होता है बाईबैक और एक होता है बोनस या स्टॉक स्प्लिट दिया जाता है इसलिए आप देखोगे टाटा मोटर्स ने स्टॉक स्प्लिट दिया है uh, मदरसन सुमी ने स्टॉक स्प्लिट दिया है फिर और दो तीन कंपनी ने जो है वो स्टॉक स्प्लिट दिया बिकॉज उनका जो स्टॉक है विच वॉज नॉट मूविंग वेरी यू नो नाइसली उसका वैल्यू इरोड हो रहा था सो so, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ही देखोगे जो स्टॉक है वो सात परसेंट दस परसेंट जम्प मार है टाटा मोटर्स का जम्प मारा था नियर अबाउट फाइव टू टेन परसेंट या उससे ज्यादा जंप मारा था मदर सुमी ने जंप मारा था या बोनस वो डिक्लेयर करते हैं या बोनस शेयर प्रोवाइड करते हैं या डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू हैव इन्वेस्टर्स स्टिक विद डेट कंपनी चीप क्लोन्स सकिंग बिलियंस अवे फ्रॉम ई सो डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़िएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एंड यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ओन ई टी एफ मतलब विथ योर ओन मनी और आप जो है इमिटेट करके इस ट्रेंड uh, को जो है राइड कर सकते हैं एफ पी आई इस पम्प फोर्टी फोर थाउजेंड करोड़ इन एक्विटीज सो जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट नो देखना कि भाई वो अभी पंप किया जा रहा है सो so, डंप करना ना शुरू कर दे क्योंकि एफ कभी भी पैसा निकाल सकता है और फिर आपका जो रिटेल वाला जो है बंदा वो मतलब पैसा निकल जाता है उसके हाथ से इन्वेस्टर्स करोड़ फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड इन जून क्वार्टर क्योंकि डेट में आपका जो है इक्विटी में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो भैया ना कभी भी किसी भी महीने में जो एक साथ पैसा निकाल लेंगे फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं जैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि उन्होंने आपका के पी टी में इन्वेस्ट किया था और टानला में इन्वेस्ट किया था टानला अभी जो है पूरा एकदम 2000 में ट्रेड कर रहा था अभी सात सौ रुपये हो गया अलॉट ऑफ पीपल लॉस्ट मनी सो प्लीज मेक श्योर दैट वो उस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान रख के काम कर रहे हो ओके okay. टी एक्सपोर्ट्स जो है डेफिनेटली मार्केट ढूंढ लेगा टी जो है टी दुनिया को पीना है और इंडिया सबसे अच्छा क्वालिटी का टी जो है प्रोवाइड करता है ऑल तो हाँ श्रीलंका भी है केनिया भी है बट इंडिया अगर दार्जिलिंग टी और आसाम टी को कोई कंपटीशन नहीं है मतलब उसका ब्रांड ही बन चुका है ठीक है एंड रोड सेक्टर हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट्स तो इसका रीजन क्या हो सकता है आप मुझे बताइए 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 तो रीजन ये होता है कि रोड प्रोजेक्ट्स में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे आपका सोचिए दो एकड़ में आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको तो uh, दो एकड़ ही दो, दो एकड़ से मतलब उसके बाद बा, उसके बाहर जो एरिया उससे मतलब नहीं है रोड में क्या होता है कि रोड में मैक्सिमम जो हमारे देश में होता है कि ल, लोगों ने जमीन कब्जा करके बैठे हुए रहते हैं और उसको वहाँ से उठते नहीं है पोलिटिकल पार्टीज आर वेरी रेयरली विलिंग टू यू नो रिमूव दम फ्रॉम देयर बिकॉज वोट बैंक जो है वो उनको बाद में वोट नहीं देगा तो और स्टेट और सेंटर के बीच में भी लॉगर हेड होता है क्योंकि जब भी आपको जमीन देना पड़ता है तो जमीन खाली करने का जो जिम्मेदारी होता है वो स्टेट का होता है और स्टेट बहुत स्टेट और सेंटर का रिलेशन अगर अच्छा नहीं है तो वहां पे भी प्रॉब्लम होता है सो दैट्स द रीजन वाई रोड सेक्टर्स हैज दी यू नो बिगेस्ट डीले नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आई टी एट्रिशन में राइज ऑन डिमांड परफॉर्मेंस लिंक तो डेफिनेटली कल कल या परसों मैंने बोला था कि ये होने वाला है तो उसमें कोई इशू नहीं है ये सब चलता ही रहेगा ए आई आपको फोकस करना है या आपको जो है डेलीगेशन करना है बाहर के जो मतलब छोटे छोटे जो टेक कंपनीज है बीपीओ को उनको देना है फार्मेसी जो है डिले कर रहा है आईपीओ रीजन बिकॉज उसका जो टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है एंड ब्रेक इवन करके उसको जो है नेक्स्ट ईयर वो आना चाहता है सो so ये हर एक स्टार्टअप के साथ ही है बिकॉज जब भी आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर्स या फाइलिंग के लिए अप्लाई करोगे वहां पे आपको बैलेंस शीट जो है वो शेयर करना पड़ता है सेबी के साथ एंड पीपल विल गेट टू नो कि भाई यह तो लॉस मेकिंग कंपनी है डे वन से तो क्या इन्वेस्ट करना है इसमें और पेटीएम जोमेटो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि भाई लॉस खा रहा है तो फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे सो पीपल विल हैव लेस कॉन्फिडेंस और इसमें ज़्यादा पैसा वो उठा नहीं पाएंगे सो so इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं इसलिए आप देखोगे फार्मीजी कुछ दिन बाद जो है लोगों को फायर करना शुरू करेगा एंड ऑफर देना शुरू करेगा ताकि उसका जो रेवन्यू है वो ग्रो करे मार्जिन थोड़ा सा कम व फैक्ट्र नहीं है बट रेव्यू ग्रो करेगा सो नेक्स्ट ईयर दे विल भी एबल टू फाइल आई पी ओ एंड वहाँ से जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इम्प्रूव होगा इतना कुछ सीखने को मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं खुद भी सीखता हूँ तो यहाँ पे मैंने पिछले दिन क्या बोला था कि ये एक पेपर लाया गया है एंड दे विल नॉट डू दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एंड देर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस बहुत सिंपल सा रीजन मैंने आपको बताया था क्यों बताया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था एंड आई न्यू दैट दिस इज नॉट गोइंग टू है एंड आई फील सो गुड कि भाई आपका जो लॉजिक है ना जब आप देखते हो कि हाँ ऐसे मूव कर सकते हैं एंड वेन इट मीट्स दैन यू हैव लॉजिक बिहाइंड योर प्रडिक्शन और योर स्ट्रैटेजी तो भाई बहुत मजा आता है मेरे को तो बहुत खुशी हुआ ये पढ़ के एंड ये नहीं होने वाला है सो so, और अगर करते भी हैं इसका जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा बट लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम होने वाला एंड जो बोल रहे थे ना डिजिटल इंडिया वो तो होने वाला है ही नहीं भाई सो so, क्या था नहीं था डेफिनेटली मुझे बताइएगा अगर आपने नहीं देखा तो प्रोबेबली दो तीन दिन या चार दिन पहले इसका जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे शेयर किया था वो अब डेफिनेटली पढ़िएगा ओके ऋषि सोरक जो है उनका इट इज ब्राउन ठीक है तो एक प्रॉब्लम है ब्राउन आदमी है तो उसको प्राइम uh, मिनिस्टर बनाना बहुत डिफिकल्ट है एंड वहाँ पे बहुत सारे प्रोपोगेंडा चल रहे हैं दैट ही इज़ वेरी रिच एंड वो गरीब लोगों का नहीं सुनता है एंड अगेन हर जगह पे वही होता है आपको लगता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है तो इंडिया जैसा हालत नहीं है इंडिया में जैसे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है वैसे नहीं होता सिमिलरली उस जगह भी, वहाँ पर भी वैसे ही होते हैं सो इट इज़ वेरी आई मतलब uh, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मे बी अगर वो इस बार नहीं जीतते हैं बट नेक्स्ट टाइम क्योंकि ये इत का जो टेनयर है वो खत्म होने के बाद जब वो इलेक्शन होगा आई थिंक ही इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बट इस बार बहुत डिफिकल्ट ओके रशिया स्ट्राइक्सा सो रशिया जो है वो तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा करके खत्म करेगा मैं सोचा था रशिया जो है एक बार में जाके बम बम मार के सब बुरा मतलब कैप्चर कर लेगा एंड hmm this is very okay <sighs> गाड़ी को उड़ा दिया है व्हिच इज वेरी 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 डेंजरस ये बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है पोटिन समवन हु इज गोइंग तो टू वेट एंड स्लोली किल यू मोसाद के बारे में आपको पता होगा ना फोन में बम लगा के उड़ा देते हैं लोग को। Too much violence. ये एक अच्छा न्यू अच्छा न्यूज तो पता नहीं बट यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तो यहाँ पे अगर एक भी यहाँ पे इंडिया में अगर प्लेन में हाईजैक हुआ प्लेन में बम ब्लास्ट हुआ तो भाई दंगा लग जाएगा यार सो so, एंड वो मतलब नॉन सिक्योरिटी उसमें करना चाहिए इनको ओके कंधार दिस इज स्कैरी ये है कि मैनेजमेंट बैगेज कंट्रोल कार्गो एरिया तो ये सब ठीक है बट मेन प्रॉब्लम वही हो जाएगा ना कि अगर कुछ अगर इश्यूज uh, होते हैं Kandahar, तो आपको पता होगा कि Uh, जो एयर इंडिया का फ्लाइट है उसको कंधार मतलब लेके गए थे यहाँ पे हाई करके फिर वहाँ पे अजहर मसूद ये सारे जो uh, जिनको पकड़ के रखा था उनको छो फिर छोड़ना पड़ा था सो दिस इज समथिंग विच इज कंसर्निंग एल आई सी क्वार्टर वन डेथ क्लेम फॉल्स ट्वेंटी परसेंट सो इसका एल आई सी का वैल्यू जो है थोड़ा बढ़ेगा स्टॉक जो है अच्छा मूवमेंट करेगा सिप्ल वहाँ का जो है स्टॉक जो गिरेगा ऑटोमेकर बोल रहे हैं कि सी का रेट कम करो भाई पेट्रोल का तो रेट नहीं कम कर रहे हो बट सी uh, का तो कम करो ताकि हमारा सी का जो है गाड़ी ज्यादा बिके सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ज्यादा न्यूज़ उसमें था नहीं बट जो भी न्यूज था दैट इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेक केयर बाय बाय एंड आई विल सी यू टुमारो बाय बाय